हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम टू क्लास 10। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9 का है, लेसन नंबर 8, मोशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आइए इसको देखते हैं इसमें है कौन कौन से टॉपिक्स। तो जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे वो हमने पॉइंट्स में लिख लिए हैं और इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है हमारा मोशन। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि मोशन क्या होता है। मोशन आपका जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, एग्जांपल लेके बात करते हैं, कंसीडर करेंगे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। तो क्या होगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट इस ए पॉइंट से मूव करके बी पॉइंट तक ट्रेवल करता है, ध्यान से देखना, ए पॉइंट से इसने ट्रेवल करना स्टार्ट किया, बी पॉइंट तक आया, ठीक है। तो इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट स्टार्ट की, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट ने ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक का क्या ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट मोशन में तब आती है या तो उसके पोजीशन में चेंज हो या फिर उसके डिस्टेंस में चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल, एक अनदर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि किसी फुटबॉलर ने एक बॉल को यहां से किक किया और ये बॉल ट्रेवल करके यहां पर आया, तब इसमें क्या देख रहे हैं, जो फर्स्ट पोजीशन थी बॉल की वो यहां थी, इसको फोर्स लगने के बाद एक्सटर्नल फोर्स जब इस पे लगी इस बॉल पे तब उसने यहां तक ट्रेवल किया। तो ये इसका क्या शो कर रहा है, इस बॉल का डिस्टेंस हो रहा है, इसका मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है। तो मोशन का मतलब क्या हो जाता है कि जिस ऑब्जेक्ट में या तो डिस्टेंस में चेंज हो या फिर उसके पोजीशन में चेंज। अगर ये दो चीज उसमें होती है, डिस्टेंस में या पोजीशन में चेंज होता है, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में, ठीक है। अब जैसे इसमें एक पॉइंट और समझ लेते हैं हम कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन पर, पहले एक मैंने वर्ड यूज किया है रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन का मतलब क्या होता है, रेस्ट पोजीशन का मतलब यह है कि वो ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉप है, यानी उस समय जो उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो इस फिक्स पोजीशन पे होगी, वो किसी मूवमेंट में नहीं होगा, वो रेस्ट पोजीशन यानी जीरो वेलोसिटी पे होगी, ठीक है। और आगे हम देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हमारा मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। अब देखो, ये तो हमने मोशन पढ़ लिया कि मोशन क्या होता है, या तो उसके पोजीशन में चेंज होगा या फिर उसके डिस्टेंस में चेंज होगा। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन अलोंग विद स्ट्रेट लाइन, यानी मोशन है उसमें लेकिन किस फॉर्म में है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। मतलब कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इसको मैं पार्टीशन में डिवाइड करता हूं, ये पॉइंट हमारा हो गया एक्स और ये पॉइंट हो गया हमारा वाई, ठीक है। अब इसमें मैं एक डिस्टेंस मीटर अज्यूम कर लेता, जैसे 10, 20, 30, 40, और इसको लास्ट कर देते हैं 50, और इसके पॉइंट्स के नेम दे देते हैं। ये जो ए पॉइंट है ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये बी, ये सी और ये डी और ये लास्ट वाला वाई, ठीक है। तो जो एक्स पोजीशन पे जो हमारा डिस्टेंस है वो यहां पे जीरो है इनिशियल, ठीक है, और ये वाई है हमारा वो लास्ट हमारा 50। इसको हम किसमें डिनोट कर रहे हैं, मीटर के फॉर्म, 30 मीटर 40 मीटर एंड 50 मीटर। अब देखो, ये जो मैंने पाथ चूज किया है ये स्ट्रेट पाथ है, ठीक है, यही हमें पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन है और इसमें मोशन हमें शो करना है। मतलब क्या है, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है वो जीरो पे है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जीरो पे, ठीक है, फिर इसने ट्रेवल करना स्टार्ट किया और ये कहां तक पहुंच गया, डी। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का हम नेम ले लेते हैं जेड, ये कोई ऑब्जेक्ट जेड है, इसके डिस्टेंस
में कितना चेंज आया, मतलब कि हम क्या देख रहे हैं, जीरो से उसने स्टार्ट किया और वो कहां तक गया, 40 मीटर तक, ठीक है। यानी जो जेट ऑब्जेक्ट है, ये जो जेट ऑब्जेक्ट है उसने कितना मीटर कवर्ड किया, 40 मीटर। अभी हम डिस्टेंस की बात करें, उसने जीरो से चलना स्टार्ट किया, 40 पे गया, तो उसके आने टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 40 मीटर। अगर हम इसी में सेम केस हम एक और ऐड करते हैं, बी पॉइंट से उसने वापस चलना स्टार्ट किया और वो पहुंच गया सी पॉइंट, ठीक है। यानी पहले जीरो से उसने स्टार्ट किया, चलते चलते वो डी पे आ गया, डी से फिर अगेन वो मूव करा, फिर वो आ गया 30 पे। अब हमें बताना है कि इसमें टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये देख लेते हैं कि जीरो से यानी एक्स पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस था वो तो है 40, क्योंकि वो डी पॉइंट पे भी गया, तो वो हो गया 40 मीटर। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने डी से वापस अगेन मूव बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना गया, 40 से 30। अब इन दोनों बीच का डिस्टेंस देख लो कितना है, 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम 10 मीटर प्लस कर लो, वो डिस्टेंस में ही ऐड होगा, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 40 प्लस 10 50 मीटर। अगर हम ऐसे डिस्टेंस की बात करेंगे कि जो जेट ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है इस केस में, तो वो है आपका 50 मीटर, ठीक है। अभी हम डिस्टेंस की बात करें, आगे हम जाकर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, फिर हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर मोशन हो तो उसके डिस्टेंस को हम कैसे चेक करें, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो थर्ड है आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये कोई एक पाथ है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पाथ है, इस पे ये ट्रेवल करेगा, ठीक है। अभी ये जिस पोजीशन में है यहाँ पे, इसको हम ले लेते हैं ए पॉइंट, ये यहां से चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है, इसको हम यहां ना बना के यहां बना, ठीक है, इस पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट किया, और एक पॉइंट है यहां पे बी और एक पॉइंट है यहां पे सी, ठीक है। ये एक पाथ है, इस पाथ पे इस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल करना स्टार्ट किया और ये मेरे पॉइंट्स लिखे ए बी सी। अब देखो हमें देखना क्या है, जो ये ऑब्जेक्ट यहां पे है इसको बी तक पहुंचने के लिए 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है, ठीक है, ए से बी तक जाने में इसको 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है, और ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो हम कंसीडर कर लेते हैं 5 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। ए से बी पे गया 1 सेकेंड में 5 मीटर, फिर अगेन जब ये बी पे आ गया, अगेन ये किस पे गया, सी पे गया आगे, और इसको भी फर्दर उसको 1 सेकेंड ही लगा, ठीक है, और इसका भी जो डिस्टेंस था वो था आपका 5 मीटर। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट है, ये जो 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो इसको जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो 1 सेकेंड हो रहा है, यानी पर 5 मिनट में उसको पर सेकेंड ही टाइम कंज्यूम हो रहा है। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितना भी, यानी वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, हर 1 सेकेंड में 5 मीटर ही ट्रेवल कर रहा है, मतलब एक फिक्स रेंज ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में, फिक्स्ड टाइम पीरियड में फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है वो हो सकता है कि जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था, ये ए बी और ए सी, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट था अगर ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है तो हो सकता है 2 सेकेंड में 5 मीटर ट्रेवल कर रहा हो, ठीक है, जैसे ये बी पे आ गया, अब बी से सी तक जाने में ये 1 सेकेंड में चला जा रहा है, हो सकता है ये आपका ये भी 5 मीटर हो, ठीक है, यानी इसमें वेरिएशन इन टाइम हो रहा है, एक फिक्स टाइम पीरियड में फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा, ठीक है, वो वेरिएशन इन टाइम हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आपके टाइम में वेरिएशन आ जाता है, डिस्टेंस में वेरिएशन आ जाता है, तो वो किस फॉर्म में आ जाता है, यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। आगे चलते हैं, जो फोर्थ है आपका वेलोसिटी, और वेलोसिटी देखते हैं वेलोसिटी क्या होती है। देखो सबसे पहले वेलोसिटी, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है आपका, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है
वो मोशन में है, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, स्पीड है, ठीक है। इसको हम डिफाइन भी ऐसे करते हैं कि एनी ऑब्जेक्ट विद इन मोशन अलोंग विद इट स्पीड इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। यानी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो मोशन में है प्लस उसमें क्या है, स्पीड है, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो वेलोसिटी में, ठीक है, और वो किसके होता है, टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जैसे मैंने हमने आपने स्पीड की बात की थी, तो हम स्पीड का एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, एस स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। स्पीड का जो फॉर्मूला होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, जब भी मैंने एग्जाम्पल बताया था, एग्जॉक्ट ऑब्जेक्ट जो था वो आपका मोशन में था, ठीक है, लेकिन प्लस क्या होता है उसके साथ, स्पीड प्लस हो रहा है, तो स्पीड जैसे ही प्लस होगा किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसके अंदर देखो क्या क्या आ जाएंगे, डिस्टेंस आ जाएगा और टाइम ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी डिस्टेंस भी होगा उसमें, मोशन करेगा तो कोई डिस्टेंस होगा, और वो जिस मोशन से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसमें सिंपली टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो जैसे ये दो चीज ऐड हो जाते हैं उसमें, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उस मोशन में वेलोसिटी है, ठीक है। आगे चलते वेलोसिटी के अंदर, वेलोसिटी के अंदर दो टाइप्स की वेलोसिटी होती है, एक होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी और जो दूसरा होता है आपका फाइनल वेलोसिटी, ठीक। अब वेलोसिटी में दो होती है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है समझने का। देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी रेस्ट पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब रेस्ट पोजीशन मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल करना स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे कि मैंने एक बात, जैसे कि ये हमने एक पाथ लिया, ठीक है, इस पाथ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, और इस पाथ पे जो है जीरो, अभी तो ये रेस्ट पोजीशन पे, स्टॉप पोजीशन पे, तो इसका मतलब जीरो इसकी डिस्टेंस है, ठीक है। और जैसे ही ये यहां आ जाएगा, ये लाइन क्रॉस करेगा, ये लाइन है आपका 10 मीटर, ठीक है। यानी यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है टोटल वो है आपका 10 मीटर। यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है अभी, जीरो। यानी जहां से वो चलना स्टार्ट करेगा रेस्ट पोजीशन से, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी जीरो, और फाइनल जो वेलोसिटी होगी वो होगी 10 मीटर, क्योंकि इसको कहां तक ट्रेवल करना है, यहां तक ट्रेवल करना है, तो यहां तक ट्रेवल करने के लिए जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी 10 मीटर, ठीक। अब इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में देख लेते हैं, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं, और जो फाइनल वेलोसिटी होती है आपकी फाइनल वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं, ठीक है, इनिशियल को यू से, फाइनल को वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अब तीसरी बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, ठीक है, तो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी मीटर पर सेकंड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो ये वेलोसिटी की आपकी यूनिट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एक्सेलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे कि अभी हमने वेलोसिटी पढ़ा कि वेलोसिटी क्या था आपका, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन है और उसके साथ साथ क्या है, उसके अंदर स्पीड है, स्पीड जैसे ही ऐड हो जाता है तो इसका मतलब उसमें डिस्टेंस और टाइम भी ऐड हो जाता है, तो वो होती है आपकी वेलोसिटी, ठीक है। ऐसी एक्सेलरेशन में क्या होगा कि चेंज इन द वेलोसिटी विद टाइम, यानी टाइम के साथ साथ अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। मतलब कि एक्सेलरेशन को हम डिनोट ए से करते हैं, ठीक है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला क्यों बनाया, देखो मैंने इसका क्या बोला, चेंज इन वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ये है आपका फाइनल वेलोसिटी और ये है आपका इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो हमने चेंज करा फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से माइनस कर, तो ये चेंज होगा, ठीक है। जैसे ही चेंज हुआ वेलोसिटी का, उसको हमने डिवाइड कर दिया टाइम से, यही मैंने अभी डेफिनेशन बोली, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
वो हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन। अब देखो, अब जब हम इसकी यूनिट लिखेंगे तो देखो यूनिट क्या बनेगी, देखो v माइनस यू ये तो क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट मैंने क्या बताई थी, मीटर पर सेकेंड, ये तो वेलोसिटी की यूनिट है यार, अपॉन ये टाइम, टाइम की यूनिट क्या थी, सेकेंड। अब देखो डिवाइड में से डिवाइड है, ये एस ऊपर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फर्दर इसका जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन को ऐसे डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला ये है, और एक्सेलेरेशन की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और वेलोसिटी की मैंने बताई थी मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी यूनिट है और ये एक्सेलेरेशन की यूनिट, ठीक है। आगे चलते हैं, सिक्स्थ पॉइंट जो है हमारा, वो है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो हमारे पास तीन टाइप के इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। इस इक्वेशन की बात करें तो ये है आपका फाइनल वेलोसिटी, ये है आपका इनिशियल वेलोसिटी, ये है आपका एक्सेलरेशन, और ये है आपका, ठीक है। यानी ये जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे जो इक्वेशंस है मोशन के, हम इसको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस में यूज करेंगे, ठीक है। मतलब कि जिस क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन है और टाइम गिवन है तो हम उसमें एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, किसी इक्वेशन में डिस्टेंस गिवन है, वेलोसिटी गिवन है और टाइम गिवन है तो उसमें एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। यानी किसी भी टर्म को यूज करने से पहले, जैसे इसमें कितने टर्म है, 1, 2, 3 टर्म, कोई भी दो टर्म हमें गिवन होगी और हमें एक टर्म उसका निकालना हो, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या है, ये तो फाइनल वेलोसिटी हो गई, इनिशियल, एक्सेलरेशन, टाइम, एस जो है आपका वो है पर डिस्टेंस, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं, जैसे कि आपने कंसिडर किया होगा कि डिस्टेंस को तो डी से नोट करते हैं, लेकिन हम मोशन के अकॉर्डिंग में एस को हम डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये से एक्सेलेरेशन, टी से टाइम, सेम केस, ये भी एक्सेलेरेशन, डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स के मोशंस के इक्वेशन है जिसको हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन में यूज करेंगे जो हमें टर्म्स गिवन, ठीक है। तो हमारा ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए, मोशन, मोशन अलोंग विद स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन और इक्वेशन ऑफ। तो ये इतना कंप्लीट करने के बाद हमारा मोशन का चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।